हाय फ्रेंड, मैं हूं संजीव। आप देख रहे हैं संजीव यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज इस वीडियो में करने वाला हूं एक हॉन्टेड प्लेस की रिव्यू। जैसे कि आप जान गए होंगे, मेरे टाइटल पे लिखा हुआ है, ये है लाल कुटी का एक हॉन्टेड प्लेस जो कि बांतला में है। बहुत ही हॉरेबल हॉन्टेड प्लेस है दोस्तों। मैं पहली बार एक हॉन्टेड प्लेस पे विजिट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे, दिखाएंगे पूरा हॉन्टेड प्लेस कैसा है, रिव्यू करेंगे एंड हाउस का अंदर कैसा आपको दिखता है दिखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा हॉन्टेड प्लेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। जहाँ पर खड़ा हूँ वो हॉन्टेड प्लेस की एक बैल्कनी है, अंदर भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको अंदर का नजारा कैसा है एक हॉन्टेड प्लेस का। अगर नया चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको हर वक्त मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते रिव्यू दोस्तों, चलिए जाके देखते प्लेस कैसा है। तो पहले हम देखेंगे बाहर से इसको कैसा दिखता है। ये हाउस दूर से बहुत ही डरावना लगता है, चारी तरह से आगाछा में भर गया। थोड़ा दूर है लोकेलिटी, इसका नज़दीकी कोई लोकेलिटी नहीं है। तो ये आपका बिल्डिंग का मेन गेट हो गया दोस्तों। बाड़ी का सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है। अभी हम गेट खोल के अंदर जा रहे हैं। ढाई सौ साल पुराना है ये बिल्डिंग। पहले कोई राजा का बाड़ी था। अभी जो बिल्डिंग का ओनर है, जिसने इस बिल्डिंग को देखभाल करता है, उससे हम बात किया था। तो इस बिल्डिंग का नाम है लाल कुठी। तो ये नाम कैसे आया और पहले कौन रहता था एंड क्या जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में, तो ये हम लोग आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। डरावनी तरह से बिल्डिंग में आगाछा फैल गया है, कोई भी लोकल इंसान इधर नहीं आते। दिन में भी ये जगह बहुत ही सन्नाटा रहता है। पचास सालों के अंदर इस बिल्डिंग में कोई पैर नहीं रखा, तो हम लोग पहली बार बहुत रिस्क लेके इस बिल्डिंग में अंदर जाएगा। बहुत जीर्ण अवस्था इस बिल्डिंग का। पूरा घर में जंगल हो गया है, देखिए दोस्तों, वॉल फट गया, उसका अंदर से पेड़ उगने लगा है। सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इधर लोग सब मानते हैं ये हॉन्टेड हाउस है। रात में इधर से बहुत ही अलग तरह की आवाजें आती है। इधर हॉन्टेड एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। कभी भी किसी का आवाज ऊपर से सुनाई देता है, शायद ये सच भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। रात में इधर बहुत ही हलचल होती है, बहुत ही शोर शराबा होती है, कोई किसी की रोने की आवाज आती है, तो ऐसी हमने सुना है। ये बॉट गाछ का पेड़ ये बिल्डिंग से पूरा लगा हुआ है, पूरा बिल्डिंग में ये बिखर गया है, चारों तरफ से है, ऊपर भी है, बाहर तरफ से बिल्डिंग काफी डरावना लगता है। हंटिंग बंगलो आप कह सकते हैं इसको। बहुत सालों से ताला ऐसा बंद, किसी भी अंदर नहीं गया आज तक। हम लोग जाएगा अंदर बिल्डिंग का, तो अभी जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो देख ही रहे हैं, तो ये आपका बिल्डिंग का पिछला गेट, तो इसी से हम अंदर जाएगा। पूरा फ्लोर पे एक मोटा डस्ट की परत चढ़ी हुई है।
पूरा सब जगह मोटर डस्ट की एक परत चढ़ी हुई है। तो जगह में घोस्ट एक्टिविटी होता है। कई सालों से यह इंसान की पैर नहीं गया तो हम लोग ही फास्ट जा रहा है। ये कभी भी एक अच्छी डाक बंगलो था, अभी इसका पूरा ख़त्म हो गया। अभी ये एक हॉन्टेड हाउस हो गया। तो किसी भी समय में ये इधर एक बैल्कनी था, तो अभी ये इसका काम तमाम हो गया। वो बैल्कनी अभी इस तरह की दिखने लगा है। अंदर का कुछ ये रूम हो गया आपका। छत देखिए, ऊपर से छत टूटने लगा है। दोस्तों सब लोग कहते हैं यह हॉन्टेड है, इधर कोई घोस्ट है, मगर दिन में तो दिखाई नहीं देगा शायद, और रात में हम लोग जा नहीं सकते इतना डरावना जगह पे। तो चलिए सुनते इधर का जो ओनर है वो इस लाल कुठी के बारे में क्या जानते हैं एंड कब से वो रहता है इधर, इसके पहले कौन था, तो उससे हम जान लेते हैं इसके बिल्डिंग के थोड़ा बारे में। शेष दफ्तर जखन थे मैंने हमारे बाबा जखन थे चाकरी करछे तखन थे शेष दफ्तर ही देखाशुना करछे मैं जल सम्पद भवन ये मोटामुटी चकता फकता होगला फोगला ये सब रखा हतो गोडाउन टाइप छिल তারপর এখন তো কিছু রাখে না, এখন কিছু রাখা হয় না বলে আর বিল্ডিংটা পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন কিছু থাকে না। চাবিটা বি রেখে দেয় আমার কাছে, কিছু রাখা হয় না আর সংস্কারও হয় না। একবার অনেক দিন আগে 20 বছর আগে একবার সমস্যা করেছিল বর্ষার থাকতে, তারপর থেকে আর বিল্ডিংটা পড়ে গেছে। লালকুটি নামটা কীভাবে? লালকুটি নামটা এই বিল্ডিংটা ছিল লাল, লাল রং দিয়ে মানে যখনই রং করতো লাল রং দিয়ে করা হতো, ওই জন্য ইট ফিট গন্ধ দিন লাল হয়ে আছে, ওই জন্য লাল লাল লালকুটি লালকুটাটা নাম নামটাই। আমি তো আর 1 বছর আছি, এই কাঠ ফুটো রেখে দিই, একটু আসি একটু কলা গাছ বসিয়ে রেখেছি, একটু কুচ গাছ বসিয়ে রেখেছি, কী করবো যাতে পাবলিক না দখল করে নেয়। ফ্রেন্ড ভিডিও আগে আচ্ছা লাগা তো এক লাইক জরুর কর দেনা, কুছ জানা চাহতে তো ডিসক্রিপশন বক্স মে কমেন্ট করনা, মে জরুর রিপ্লাই দুঙ্গা। মেরে চ্যানেল পে না তো সাবস্ক্রাইব কর লেনা, ক্যুকি এসি টাইপ কি ভিডিও আগে পাক মেরে চ্যানেল পে আপকো মিলতি রহেগি। তো মিলতে হ্যায় নেক্সট ভিডিও মে, তব তক কে লিয়ে বাই, শুক্রিয়া, থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ।